और गाइस हम लोग आए हैं निशा गार्डन डी पॉकेट पार्क में, और ये डी पॉकेट का पार्क है। और यहाँ पर मैं पहले 6-7 साल यहाँ पर रहा हूँ, 2006 से 2011-12 के बीच में। उस समय ये आप पीछे देख रहे होंगे चबूतरा जो बैठने के लिए बनाया गया है, तो ये चबूतरा नहीं था। और यहाँ पर कुछ चेयर भी रखी गई हैं, कुछ लोहे की हैं या फिर कुछ सीमेंट की हैं, तो वो भी उस समय नहीं थी। तो निशा गार्डन काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग रहते हैं, और काफ़ी ग्रीनरी भी है इस एरिया में। और बानू भी इसी पार्क में आई है, बानू को बच्चे मिल गए हैं खेलने के लिए, और बानू जो है बच्चों के साथ झूला झूल रही है उधर। और हमारे जो बिल्डिंग है उसमें से भी कुछ बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे पार्क में, तो बानू भी उन्हीं बच्चों के साथ खेलने लगी हुई है। और ये दिलसाद गार्डन डी पॉकेट का पार्क है। यहाँ पर जो है जो इस देख रेख करते हैं इस डी पॉकेट के पार्क को, उन्होंने यहाँ पर पानी डाला हुआ है, लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा है कि ये यहाँ पर बच्चे अभी खेल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी कम डालना चाहिए ताकि थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर खेल सकें। और यहाँ पर छोटे बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, बानू भी धरी है, और बानू यहीं पर थी शायद आगे चली गई है, तो देखते हैं। और बानू को एक छोटा बच्चा, उसका नाम शायद कन्नू है, वो मिल गया है। वो भी हमारे जो स्टेयर्स हैं वहीं पे उसी के बगल में उनका घर है, और वो बच्चे के साथ बानू खेल रही है। और रिशु और रिश्ता भी है बानू के साथ, और उस बच्चे की मम्मी भी है, वो भी उत्तराखंड के हैं। तो ये लोग अब पार्क में जो है खेलना शुरू कर दिया है इनने। और जो बड़े भैया हैं पूरन भैया, उनकी बेटी का नाम है रिश्ता, और रिश्ता भी आई है उनके साथ। रिशु है बड़े भैया के बेटे का नाम। तो बानू को देखने की ज़रूरत पड़ती है पार्क में, इधर उधर भाग जाती है, तो रिश्ता जो है उसको देखने के लिए भी आई है। और बानू जो है हैंगिंग कर रही है इस समय, बानू अपने पार्क में भी हैंग करती है। और बानू हैंग करके जो है एक साइड से दूसरी साइड को जा रही है, उसने पूरा हैंग कर दिया है, और रिश्ता ने उसको सपोर्ट किया नीचे से पकड़ के। अब जो है रिशु स्टार्ट कर रहा है, रिशु भी एक साइड से दूसरी साइड को पूरा हैंग करेगा। और गाइज बानू को तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्क में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, और बानू जो है सारे बच्चों के साथ खेलने के लिए रेडी है। हेलो गाइस, ये है डी पॉकेट दिलसाद गार्डन का पार्क, जिसे हम कहते हैं सेंटर पार्क। ये है चाचू कच्चे में, ये है बानू सीख रही है, सब लोग आते हैं। गिर मत जाइयो इसी चक्कर में, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में धाड़। ये है हमारी चाची, ये है कन्नू। हेलो कन्नू, बोलो हेलो कन्नू। हाय कन्नू, कस्ता तुम बोलो, कस्ता तुम, कस्ता तुम, ठीक छा, भल छा। चाची थोड़ा पहाड़ी में बोलो, अपनी बाजू में बोलो, बोलो बोलो प्लीज, नहीं डालने के लिए मैं बोलूंगी। नहीं यार, आपका गाँव कौन सा है? नहीं मैं अच्छा मैं नहीं, अब जाके मेरे हाथ आड़ हुए तो मैं उसको आसानी से कर लूंगा। अरे पहले मेरे हाथों में शक्ल दिखाना, देखो। अरे नहीं, उसका दिख रहा है, जो दिख रहा है उसके हाथ से हो रहा होगा। सुन सुन देख, अरे मेरे लिए पापा है। अरे बस बस बस, खींच के क्या बना दिया, मेरा चाचू आप करो। आराम से दे दो।
गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बड़ा मतलब एप्पल फोन है। हाँ, नया लॉन्च हुआ है ये। नया लॉन्च हुआ है, नया लॉन्च हुआ है, नया। पानी चलो बेटा, चलो भाई टाइम हो गया, चलो मानू 5 मिनट। चलो मानू, चलो और गाइज, आप घर जाने का टाइम हो गया है और बानू को जो है घर जाना है, रिश्ता और ऋषु को भी घर जाना है। तो जी, मम्मी लोग मार्केट गए हैं, तो भी आने वाले होंगे। बाय बाय।